जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे की ही करती है, बड़े की नहीं, क्योंकि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं। भक्त जितेंद्रिय न हो सके तो भी भगवान उसका पतन नहीं होने देते, परंतु ज्ञानी जितेंद्रिय न हो तो उसका पतन हो जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला कोई है नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी आज के सत्संग में कहते हैं, ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख दूर करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर भक्ति में अनंत रस है। अनंत रस में लहरों वाला, उछाल वाला एक विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं, ये घड़ी आदि है, तो यह ज्ञान अनजानपने यानी अज्ञान को मिटाता है। ऐसे ही तत्व का ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण रूप बंधन ये सब मिट जाते हैं। ये दुख, भय आदि सब अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे रात के अंधेरे में मनुष्य पहचान वाली जगह पर भी धीरे धीरे चलता है कि कहीं ठोकर ना लग जाए, परंतु प्रकाश होने पर उसको ठोकर लगने का भय नहीं होता और वह दौड़कर भी चला जाता है। ऐसे ही अज्ञान अंधकार में दुख, भय, संताप आदि होते हैं और ज्ञान होते ही वे मिट जाते हैं। परंतु प्रेम ज्ञान से भी विलक्षण है। जैसे ये रुपए हैं ऐसा ज्ञान हो गया, पर उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले और मिले, तो उसमें एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है कि और अधिक कीर्तन हो, और अधिक पद का गान हो, और अधिक भगवान की चर्चा हो। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे रुपयों में लोभ होता है ऐसे ही भगवान में प्रेम होता है। दिने दिने नवम नवम नवामि नंद संभवम। लोभ यानी संसार में आकर्षण और प्रेम भगवान में आकर्षण, दोनों में बड़ा अंतर है। लोभ में दुख बढ़ता है और प्रेम में आनंद बढ़ता है। लोभ में कामना आसक्ति बढ़ती है और प्रेम में त्याग उपरति बढ़ती है। संसार में आकर्षण तो दोषों के कारण होता है, पर भगवान में आकर्षण निर्दोषता के कारण होता है। ज्ञान कोई निरर्थक या मामूली चीज नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते, गीता अध्याय 4। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है, शांति देता है, मुक्ति देता है। परंतु ज्ञान में शांत अखंड रस रहता है, जबकि भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ते रहने वाला अनंत रस रहता है। वह रस कभी समाप्त नहीं होता, निरंतर बढ़ता ही रहता है। कारण कि प्रेम होने पर भी उसमें एक विलक्षण कमी रहती है, जिसको नित्य वियोग कहते हैं।
उस नित्य वियोग से प्रेम हर पल बढ़ता रहता है, वर्धमान होता है। जैसे कीर्तन में जब रस आने लगता है तब और रस लें ऐसा भाव होता है। पहले वाला रस कम होता है तभी और रस लें यह भाव होता है। अतः पहले वाले रस का वियोग है और आगे वाले रस का योग है। प्रेम में यह वियोग और योग नित्य चलते रहते हैं, इसलिए इसको नित्य वियोग और नित्य योग कहते हैं। ज्ञान होने पर फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती, पर प्रेम होने पर भी प्रेम की आवश्यकता रहती है। कारण कि ज्ञान में तो तृप्ति हो जाती है। आत्मतृप्तश्च मानवः, पर प्रेम में तृप्ति नहीं होती। मानस के उत्तरकांड में आया है, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिह नाही। जो भगवान की लीला सुनकर तृप्त हो जाते हैं उनको सुनने में रस तो आता है, पर उन्होंने विशेष रस नहीं जाना है। विशेष रस जानने से क्या होता है? जिह के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिह के ही तुम कहूं गृह रूरे। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भूया कथाय तृप्तिर श्रवणतो नास्ति मेमृतम। महाराज पृथु भगवान से वर मांगते हैं कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिनसे मैं आपकी लीलाओं को सुनता रहूं। सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती, यह नित्य वियोग है। और सुनने में रस आता है, यह नित्य योग है। प्रेम का एक ऐसा रस है जिसमें विलक्षण विचित्रता आती ही रहती है। कहां तक आती है इसका कोई अंत ही नहीं है। ज्ञान में तो अपने स्वरूप का बोध होता है, पर प्रेम में निरंतर भगवान की तरफ खिंचाव होता है। भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। हर समय भगवान की कथा सुनते ही रहें, उनकी चर्चा होती ही रहे, उनका चिंतन होता ही रहे, उनके पद गाते ही रहें, यह प्रेम का विशेष रस है। जैसे लोभी के भीतर धन की लालसा रहती है, ऐसे ही प्रेमी के भीतर प्रेम की लालसा रहती है। ज्ञान में प्रकृति के सिवाय कुछ नहीं है और भक्ति में भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग में तो प्रकृति त्याज्य होती है, पर भक्ति मार्ग में त्याज्य वस्तु कोई है ही नहीं। ज्ञान विवेक में सत और असत, जड़ और चेतन, नित्य और अनित्य, सार और असार आदि दो वस्तुएं रहती हैं, परंतु भक्ति में एक भगवान ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने सब कुछ वासुदेव ही हैं इसका अनुभव करने वाले महात्मा को अत्यंत दुर्लभ बताया है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, गीता अध्याय 7। जबकि ज्ञानी को भगवान ने दुर्लभ बताया है। ज्ञान की दृष्टि से भगवान कहते हैं, उस परमात्म तत्व को न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। भक्ति की दृष्टि से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत और असत भी मैं ही हूं।
इसलिए भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब भगवान ही हैं, ऐसा भाव होते होते फिर मैंपन भी मिट जाता है और एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। मैं तू यह वह कुछ नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। ज्ञान में भी मैं तू यह वह कुछ नहीं रहता, एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म रह जाता है। परंतु ज्ञान का आनंद शांत अखंड एक रस रहता है, भक्ति का आनंद बढ़ता रहता है। प्रेम का स्वभाव ही बढ़ना है, जैसे उबलते हुए दूध में उछाल आता है, ऐसे ही भक्ति के आनंद में उछाल आता रहता है। भगवान राम को देखकर तत्वज्ञानी राजा जनक कहते हैं, यह ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख में अखंड रस है और अति अनुराग में अनंत रस है। तात्पर्य है कि तत्वज्ञान मुक्ति होने पर भी स्वयं की भूख का अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु स्वयं में अनंत रस की भूख रहती है। मुक्ति तो कर्मयोगी की भी हो जाती है, जो ईश्वर को नहीं मानते उनकी भी मुक्ति हो जाती है। जैन संप्रदाय में भी मोक्ष शिला की मान्यता है, जहां मुक्त पुरुष जाते हैं। अतः ईश्वर को न मानने पर भी मुक्ति अथवा ज्ञान तो हो सकता है, पर प्रेम होना असंभव ही है। प्रेम बहुत विलक्षण है, भगवान भी प्रेमी के वश में होते हैं। अहम भक्त पराधीनः, ज्ञानी के वश में नहीं होते। भगवान ने तो सबको विवेक ज्ञान दिया हुआ है, जिससे वे मुक्त होकर जड़ता से ऊंचे उठकर मेरे प्रेमी बन जाएं। भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उनमें ज्ञान की भूख यानी जिज्ञासा नहीं है, पर प्रेम की भूख प्रेम पिपासा अवश्य है। इसलिए भगवान गीता के अध्याय 12 में कहते हैं, मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझको प्रिय है। प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझको अत्यंत प्रिय है। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझको नमस्कार कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। तत्व ज्ञान देकर भगवान भी तृप्त हो जाते हैं और ज्ञानी भी तृप्त हो जाता है, परंतु प्रेम देकर न भगवान तृप्त होते हैं न भक्त। प्रेमी भक्त के लिए कुछ भी कर्तव्य ज्ञातव्य और प्राप्तव्य बाकी न रहने पर भी उसमें प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, मिलन की लालसा नित्य रहती है। ऐसे ही भगवान में भी प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, तभी वे बार बार अवतार लेकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं। तात्पर्य है कि भक्त और भगवान दोनों में ही प्रेम की भूख रहती है।
नारद जी कहते हैं, तस्मिन् स्तत् जने भेदाभावात्। भगवान में और उनके भक्त में भेद नहीं है। भगवान की माया दुनिया को मोहित करती है, पर भक्त की माया भगवान को भी मोहित कर देती है। जैसे बालक का मोह माँ को वश में कर लेता है, क्योंकि वह और किसी का ना होकर माँ का होता है, ऐसे ही भक्त भगवान का होकर उनको अपने वश में कर लेता है। भगवान के छोटे बालक भक्त हैं और बड़े बालक ज्ञानी। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे की ही करती है, बड़े की नहीं, क्योंकि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्त के योग, अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम, प्राप्त की रक्षा का वहन करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। परंतु ज्ञानी के योग और क्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञानी तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। ज्ञानी का तो ज्ञान में कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्त का पतन नहीं हो सकता। भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। भगवान गीता के अध्याय 7 में कहते हैं, यह गुणमयी देवी माया बड़ी दुर्त्यय है, अर्थात इससे पार पाना बहुत कठिन है। परंतु जो केवल मेरी ही शरण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। मेरे में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं, हे कमल नयन, जो लोग आपकी चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं, पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं। वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। श्रीमद् भागवत के ही अध्याय 10 में है, परंतु भगवन, जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपकी चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभो, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रख कर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। श्रीमद् भागवत के ही अध्याय 11 में है, उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, वह भी हर पल बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। भक्त जितेंद्रिय ना हो सके तो भी भगवान उसका पतन नहीं होने देते, परंतु ज्ञानी जितेंद्रिय ना हो तो उसका पतन हो जाता है, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला कोई है नहीं। श्रीमद् भागवत के अध्याय 11 में है, जिसने 5 इंद्रियां और मन, इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न ज्ञान है न वैराग्य है, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके पेट पालता है, तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है।
और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासनाएं क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। तात्पर्य है कि भगवान का अनादर और अपना अभिमान होने के कारण ज्ञान मार्गी का पतन हो जाता है। यद्यपि अभिमान के कारण भक्ति मार्गी का भी पतन हो सकता है, तथापि भगवान निष्ठ होने के कारण भगवान उसको संभाल लेते हैं। कारण कि भक्त में तो भगवान का बल आश्रय रहता है, पर ज्ञानी में अपना बल रहता है। जनहि मोर बल निज बल ताही। अतः भक्त की रक्षा तो भगवान कर देते हैं, पर ज्ञानी की रक्षा कौन करे? इसलिए श्रीमद् भागवत के अध्याय 10 में ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, भगवान जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को क्रम के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे ही जो मनुष्य कल्याण के मार्ग रूप आपकी भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए क्लेश उठाते हैं, उनको क्लेश के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता।